हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने कूलॉम लॉ और कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। आज हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारित प्रतिघात को पढ़ेंगे। प्रत्येक संधारित्र में कम या अधिक धारिता विद्यमान होती है, जिसके कारण वह अपने सिरों पर आरोपित वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी संधारित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका धारितीय प्रतिघात कहलाता है। धारितीय प्रतिघात का प्रतीक एक्सी तथा मात्रक ओम होता है। हम कैपेसिटिव इलेक्ट्रॉन्स को एक्सी से डिनोट करते हैं और उसका मात्रक ओम होता है। धारितीय प्रतिघात के मान का सूत्र यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कैसे हम निकालेंगे, उसके लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। एक्सी बराबर 1/2πfc, जहां एक्सी बराबर धारितीय प्रतिघात ओम में, एफ आवृत्ति हर्ज में, सी धारिता फैराड में। तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान निकाल सकते हैं। संधारित युक्त परिपथ में विद्युत धारा के मान की गणना का सूत्र। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में विद्युत धारा के मान को कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम विद्युत धारा के मान की गणना कर सकते हैं। I बराबर V/xc, जहां I विद्युत धारा एम्पियर में, V वोल्टेज वोल्ट में, एक्सी धारितीय प्रतिघात ओम में। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम संधारित्र परिपथ में विद्युत धारा के मान की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, शुद्ध धारितीय परिपथ। केवल संधारित्र युक्त एसी परिपथ शुद्ध धारितीय परिपथ कहलाता है। इस परिपथ में विद्युत धारा वोल्टेज या विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। मतलब ऐसा सर्किट जिसमें केवल एक संधारित्र जुड़ा हो, वो हमारा प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहलाता है। इसमें जो विद्युत धारा होती है सर्किट में, वो वोल्टेज या विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री लैग कर जाती है, यानी पीछे रह जाती है। ये देखेंगे हम सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट में आपने देखा कि केवल और केवल क्या हमारा संधारित्र जुड़ा हुआ है, ये हमारा प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा, यानी दूसरा कोई इसमें कंपोनेंट नहीं जुड़ा है। ये वेक्टर आरेख है प्योर कैपेसिटिव सर्किट का। इसके द्वारा आप देख सकते हो जो विद्युत धारा है वो वोल्टेज से क्या है 90 डिग्री लैग कर रही है पश्चगामी। तो ये आरेख क्या है, वी आई और वी के बीच खींचा जाता है। आई आपकी है विद्युत धारा और वी है वोल्टेज या विद्युत वाहक बल। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, जो विद्युत धारा होती है वो विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री लैग कर जाती है। ये ग्राफ है वी और आई के बीच, यानी वोल्टेज और धारा के बीच का ग्राफ है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। इसमें देख सकते हैं जो हमारी डार्क वाली लाइन है,
ये हमारी विद्युत भाग वाले वोल्टेज की है, और ये डॉट 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 करके जो लाइन हमारी गई है ये हमारी विद्युत धारा की है। तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं जो विद्युत धारा है वो विद्युत भाग बल से क्या है 90 डिग्री लैग कर रही, यानी बाद में पहुंच गई अपने शिखर मान पे। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जो विद्युत धारा है वो वोल्टेज या विद्युत भाग बल से 90 डिग्री लैग कर जाती है। परिपथ में वोल्टेज के पिछड़ने का कारण यह है कि आवेश रहित संधारित्र को एसी स्रोत से संयोजित करने पर प्रथम धन चक्र में इलेक्ट्रॉन्स संधारित्र को आवेशित करने के लिए अधिक संख्या में उसकी प्लेट पर पहुंचते हैं, जिससे धारा का प्रारंभिक मान अधिकतम प्राप्त होता है और इस समय वोल्टेज का मान शून्य होता है और इस समय क्या होता है वोल्टेज का मान शून्य होता है। जैसे जैसे संधारित्र आवेशित होता जाता है विद्युत धारा का मान घटता जाता है और वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है। आधे धन चक्र में विद्युत धारा का मान अधिकतम से शून्य पर आ जाता है और वोल्टेज का मान शून्य से अधिकतम पर पहुंच जाता है। इस प्रकार विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है, अर्थात अग्रगामी या लीडिंग होती है। तो इसमें जो विद्युत धारा होती है क्या वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। शुद्ध धारितीय परिपथ के लिए विद्युत धारा की गणना का सूत्र, यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट में विद्युत धारा की गणना हम कैसे करेंगे, तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में विद्युत धारा की गणना कर सकते हैं। IRMS बराबर VRMS अपॉन XC। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, तो P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos φ। तो ये हमारा प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर निकालने का फॉर्मूला है। क्या है P इज कस्टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos φ। ये नोट याद करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी क्वेश्चन पेपर में कि शुद्ध धारितीय परिपथ का शक्ति व्यय यानी पावर फैक्टर कितना होता है। तो शुद्ध धारितीय परिपथ का शक्ति व्यय यानी पावर फैक्टर शून्य होता है, शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर। देखेंगे एसी परिपथ में वास्तविक शक्ति एवं आभासी शक्ति का अनुपात शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर कहलाता है। शक्ति गुणांक बराबर वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति का जो अनुपात होता है हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। इसको हम पावर फैक्टर को शॉर्ट में PF से डिनोट करते हैं। तो पावर फैक्टर बराबर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos φ अपॉन VRMS इंटू IRMS। तो हमारे जो आभास वास्तविक शक्ति क्या होगी हमारी VRMS इंटू IRMS इंटू cos φ, और आभासी शक्ति हमारी होगी VRMS इंटू IRMS। हमारा VRMS और IRMS कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा cos φ। तो पावर फैक्टर PF बराबर cos φ, ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला है।
इस प्रकार एसी परिपथ में वोल्टेज एवं विद्युत धारा के बीच बने कोण की कोज्या को शक्ति गुणांक कहते हैं। यानी एसी सर्किट में वोल्टेज और विद्युत धारा यानी करंट के बीच बने कोण को, यानी वोल्टेज और धारा करंट के बीच जो हमारा कोण एंगल बनता है उसकी कोज्या को पावर फैक्टर कहते हैं। यानी पीएफ बराबर क्या होता है, कोस फाई। लेकिन ये दो राशियों के बीच का कोण एंगल है। एसी परिपथ में प्रतिरोध आर तथा प्रतिबाधा जेड का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है। ये एक दूसरी डेफिनेशन भी है कि किसी एसी सर्किट में रेजिस्टेंस तथा इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा का अनुपात जो होता है वो हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। तो पीएफ इजकल्स टू आर अपॉन जेड, जहां आर है हमारा रेजिस्टेंस और जेड है इम्पीडेंस, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है हमारा पावर फैक्टर। ये भी हमारा पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है शक्ति गुणक का मान। शक्ति गुणक का अधिकतम मान इकाई अर्थात एक होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता। शक्ति गुणक निम्न प्रकार का होता है। तो शक्ति गुणांक जो होते हैं हमारे निम्न तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा इकाई शक्ति गुणांक, जिसे हम बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। दूसरा है हमारा अग्रगामी शक्ति गुणांक यानी लीडिंग पावर फैक्टर। थर्ड है हमारा पश्चगामी शक्ति गुणांक लैगिंग पावर फैक्टर। देखेंगे सबसे पहले हमारा है इकाई शक्ति गुणांक। यदि किसी एसी परिपथ का धारितीय प्रतिघात तथा प्रेरकीय प्रतिघात परस्पर बराबर हो तो वोल्टेज तथा धारा का फेज समान रहता है, अर्थात वोल्टेज तथा धारा इन फेज रहती हैं। यानी किसी एसी सर्किट में जो हमारा धारिता प्रतिघात होती है और प्रेरकीय प्रतिघात परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं या फिर इन फेज होते हैं, तो उनका शक्ति गुणांक क्या होता है, यूनिटी यानी इकाई शक्ति गुणांक होता है। क्या पी एफ बराबर आर अपॉन जेड में, जहां आर बराबर जेड बराबर आर होने पर, जेड बराबर आर होने पर, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, तो पी एफ बराबर, क्योंकि जेड बराबर क्या है हमारा आर, तो आर ऐसे ही रहेगा हमारा और इस जेड के बराबर में क्या है आर है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे आर। तो जब आर को आर से भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा वन यानी यूनिटी। तो पावर फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारा यूनिटी। यानी जब दोनों राशियाँ क्या होती हैं, इन फेज होती हैं, तो शक्ति गुणांक हमारा यूनिटी होता है। नेक्स्ट है अग्रगामी शक्ति गुणांक। किसी एसी परिपथ में धारितीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात से अधिक हो तो धारा वोल्टेज से आगे रहती है, अर्थात अग्रगामी होती है तथा शक्ति गुणक को अग्रगामी यानी लीडिंग कहा जाता है। यानी कि किसी एसी सर्किट में धारितीय प्रतिघात यानी एक्सी और प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल से अधिक हो तो धारा जो होती है वो वोल्टेज से
आगे रहती है, तो इस कंडीशन में हमारी जो शक्ति गुणांक होता है वो होता है लीडिंग अग्रगामी शक्ति गुणांक। नेक्स्ट है पश्चगामी शक्ति गुणांक। किसी एसी परिपथ में धारकीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात से कम हो तो धारा वोल्टेज से पिछड़ जाती है, अर्थात पश्चगामी होती है, तथा शक्ति गुणक को पश्चगामी कहा जाता है। पश्चगामी शक्ति गुणांक क्या होता है कि किसी एसी सर्किट में हमने ले लिया क्या धारकीय प्रतिघात यानी एक्ससी और प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल से कम हो तो धारा जो होती है वो वोल्टेज से पिछड़ जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अगर धारिता प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात से कम हो तो धारा जो होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या हो जाती है लैग कर जाती है। यही बताया गया है इसमें कि किसी एसी परिपथ में धारकीय प्रतिघात यानी एक्ससी और प्रेरकीय प्रतिघात यानी एक्सएल से कम हो तो धारा वोल्टेज से पिछड़ जाती है, अर्थात पश्चगामी होती है, और तथा शक्ति गुणांक पश्चगामी कहलाता है। इम्पिडेंस हिंदी में प्रतिबाधा बोलते हैं। इम्पीडेंस को जेड से डिनोट किया जाता है। देखेंगे आरएल सर्किट या आरसी सर्किट या आरएलसी सर्किट द्वारा धारा के रास्ते में डाला गया कुल अवरोध प्रतिबाधा कहलाता है। यानी किसी सर्किट यानी सर्किट में वो आरएल सर्किट हो या आरसी सर्किट हो या आरएलसी सर्किट हो के धारा के रास्ते में जो अवरोध डालता है वो हमारा इम्पीडेंस कहलाता है। सबसे पहले देखेंगे आरएल सर्किट, यानी किसी सर्किट में आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस जुड़ा हो तो हमारा आर एल सर्किट कहलाता है। इस आर एल सर्किट में जो इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला है वो हमारा है जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जहाँ जेड है हमारा इम्पीडेंस, आर है हमारा रेजिस्टेंस और एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये आरएलसी सर्किट में इम्पीडेंस निकालने का क्या है हमारा सूत्र है। इसी तरीके से आरसी सर्किट है, यानी किसी सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जुड़ा हो तो हमारा ये सर्किट आरसी सर्किट कहलाता है। इस आरसी सर्किट में इम्पीडेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से निकालेंगे, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ जेड इम्पीडेंस, आर है हमारा रेजिस्टेंस और एक्स है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसी तरीके से हमारा जो तीसरा सर्किट इस तरीके से बनता है जिसमें हमारा इसे बोलते हैं हम आर एल सी सर्किट, यानी किसी सर्किट में आपका क्या है रेजिस्टेंस, दूसरा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जुड़ा हो किसी सप्लाई से, तो ये सर्किट हमारा आर एल सी सर्किट कहलाता है। इस आर एल सी सर्किट में जो इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला है वो इस तरीके से निकालते हैं, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जहां आपका आर है रेजिस्टेंस, एक्सएल है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी है हमारा
कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये आरएलसी सर्किट में टोटल इम्पीडेंस निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंस यूनिट है, यानी मात्रक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, रजिस्टर। इसकी जो यूनिट होती है यानी मात्रक क्या होता है हमारा, ओम। ओम का साइन क्या होता है, इस तरीके से होता है। दूसरा है हमारा इंडक्टर, हिंदी में इसको प्रेरकत्व तो बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है हमारा हेनरी, इसको एच से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटर, इसको हिंदी में बोलते हैं संधारित्व। इसका जो मात्रक होता है वो होता हमारा फैराड, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम एक्सएल से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है यूनिट वो होता हमारा ओम। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको एक्सी से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है ओम। नेक्स्ट है इम्पीडेंस, इसको जेड से डिनोट करते हैं और इम्पीडेंस की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, ओम। तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या इम्पीडेंस हो या आप रेजिस्टेंस हो, इन तीनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है हमारा, ओम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कभी पेपर में पूछ देते हैं कि इंडक्टर का मात्रक क्या होता है, कैपेसिटर का मात्रक क्या होता है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है। तो डायरेक्टली कभी कभी क्या है, पेपर में मात्रक पूछ देता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम कंडक्टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं चालक, चालकता। कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं। देखेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जो करंट को बहने में सुगमता प्रदान करता है, चालकता कहलाता है। ठीक है, यानी करंट को बहने में क्या है, एक तरीके से सुगमता, यानी बहुत आसानी से पास कराता है, वो हमारा क्या है, कंडक्टेंस कहलाता है, चालकता। तो कंडक्टेंस यानी कंडक्टेंस बराबर क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन वन अपॉन आर। तो जी बराबर क्या हो गया हमारा, वन अपॉन आर, जहाँ जी क्या है हमारा, कंडक्टेंस, बराबर वन अपॉन रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या है, कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, विद क्रमानुपाती होता है। कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो हमारी होती है ओम इनवर्स या मो या फिर सीमेन, ये हमारी क्या है, कंडक्टेंस की यूनिट होती है। ये तीनों हमारी कंडक्टेंस की यूनिट यानी मात्रक है। ओम इनवर्स भी होता है, मो भी होता है। ओम ओम को जब उल्टा करते तो हमारा क्या हो जाता है, मो। तो और नेक्स्ट क्या है हमारा, ये साइमेन भी होता है हमारा कंडक्टेंस का मात्रक। ये तीनों आपके क्या हैं, कंडक्टेंस का मात्रक है। नेक्स्ट देखेंगे ससेप्टेंस, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवेश्यता या आप अनुकारिता भी बोल सकते हो। तो ससेप्टेंस इसको बी से डिनोट करते हैं और ससेप्टेंस बराबर क्या होता है, वन अपॉन एक्स यानी रिएक्टेंस। तो जो हमारा ससेप्टेंस होता है वो रिएक्टेंस के विद क्रमानुपाती होता है। तो ससेप्टेंस बराबर क्या हो जाता है, वन अपॉन रिएक्टेंस। ससेप्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी ओम इनवर्स या मो या साइमेन। ये तीनों हमारी क्या है, ससेप्टेंस की यूनिट है। मो इनवर्स, ओम इनवर्स या मो भी होती है और साइमेन भी होती है। ससेप्टेंस होता क्या है, किसी एक्सिया यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस सर्किट में
से करंट को आसानी से पास कराता है, कौन? ससेप्टेंस, यानी किसी सर्किट में चाहे एक्सी हो या एक्सल में करंट को क्या है आसानी से पास कराता है, वो हमारा क्या है ससेप्टेंस कराता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। ये याद रखना सबकी यूनिट, और ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये भी जरूर याद रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एडमिटेंस। एडमिटेंस को वाई से डिनोट करते हैं, हिंदी में इसको स्वीकार्यता या प्रवेश्यता भी बोलते हैं। तो एडमिटेंस बराबर होता क्या है, वाई इजकल्स टू वन अपॉन जेड। एडमिटेंस बराबर होता है आपका वन अपॉन इम्पिडेंस। तो एडमिटेंस जो होता है वो इम्पिडेंस के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एडमिटेंस की यूनिट क्या होती है हमारी, मात्रक, ओम इनवर्स, मो और साइमेन, ये तीनों हमारे क्या है एडमिटेंस का मात्रक होता है। देखेंगे किसी आर एक्सल या एक्सी सर्किट में करंट को आसानी से पास कराता है, कौन? एडमिटेंस, यानी किसी आर एक्सी एक्सल सर्किट में करंट को क्या आसानी से जाने देता है या पास कराता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एडमिटेंस कहलाता है। ठीक, ये तीनों यूनिट है आपकी, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस। कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, और मात्रा क्या होता है इसका, मो इनवर्स, ओम इनवर्स, मो और साइमेन। इसी तरह हमारा होता है ससेप्टेंस, ससेप्टेंस को बी से डिनोट करते हैं, और यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, मो, नेक्स्ट हमारे क्या है, साइमेन। इसी तरीके से आपका होता है एडमिटेंस, इसको वाई से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है यानी मात्रक होता है वो होता है हमारा ओम इनवर्स, मो और साइमेन। तो आपका चाहे कंडक्टेंस हो, ससेप्टेंस हो या एडमिटेंस, इन तीनों का जो मात्रक होता है वो सेम होता है, ओम इनवर्स, मो या साइमेन।